नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, अब इसका हम पैरा पढ़ेंगे, ठीक है। वो है, टेलीविजन प्रोग्राम इज बिग बिजनेस कॉमा विद सेल्स ऑफ इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग रीचिंग बिलियंस, इज दैट क्लियर, ऑफ डॉलर्स एनुअली, फुल स्टॉप। Advertising rates are determined by the viewership of the program. In the question, which has traditionally been determined, ठीक है, by A.C. Nelson, ठीक है, comma, part of the Nelson Company, comma, Nelson wields an immoderate amount of industry clout, considering its questionable method is our indication towards our answer. It tried to indicate, it's a trigger word, method of statistic gathering. The next para, the Nelson company relies on selected household to catalog their television watching, is that clear, habits in diaries. It's also our indication towards our answer. The ratings are then reported as a percentage that indicates the number of viewers watching a television program at a given time, full stop. The company has come under criticism for choosing residences that under report daytime, is that clear, and late night television viewing, and for over representing minorities in sample population, full stop. The next one is, population, full stop. Critics also point to the non-viable practice of measuring how many individuals are watching a given television set and of gauging how attentive. Now again, I am of the opinion the word gauging is also very important according to the examination, according to the question point of view. Okay, gauging how attentive the audience is to a program of advertising. A program of its advertising, is that clear? तो ये था हमारा second passage. तो अब हम answer की तरफ आएंगे, question number 3 की तरफ हम आएंगे. Question है, it can be inferred from the passage that the author considers the Nelson company's technique. अब हमारे पास 5 ऑप्शन है, ठीक है. पहली है intentionally biased, और दूसरी है dubious, और तीसरी है worthless, और चौथी है unscrupulous, और पांचवी है overly boastful. Overly कहते हैं excessively. तो अब हम, मैं पहले आपको रेफर कर चुका हूँ सारा कुछ, तो हम फिर आंसर करते जाएंगे. तो हमारा आंसर फिर बनेगा ड्यूबियस, बी इज अवर आंसर, यानी कि अनसर्टन, क्वेश्चनेबल, ठीक है. तो दिस इज अवर, आई मीन दैट वे आंसर, दिस शुड बी अवर आंसर, ड्यूबियस मीन अनसर्टन, क्वेश्चनेबल एंड थिंग लाइक दैट. तो चले हमारा फिर फोर्थ बनेगा. फोर्थ क्वेश्चन है, कंसिडर ईच ऑफ द चॉइसेस सेपरेटली एंड सिलेक्ट
ऑल द अप्लाई. अब हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पैसेज इंडिकेट इज टू ऑफ द हाउस होल्ड मेंबर्स हु रिपोर्ट देयर व्यूइंग हैबिट्स. तो हमारे पास फिर ऑप्शन है तीन क्वेश्चन है. पहला है, बिकॉज रेटिंग्स आर रिपोर्टेड एज ए परसेंटेज कॉमा ईच हाउस होल्ड इज काउंटेड ओनली एज वन पर्सन दे आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डिंग देयर व्यूइंग हैबिट्स. और अगला है, द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस दे एग्जर्ट ऑन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट मे नॉट बी बेस्ड ऑन ऑल टेलीविजन फैक्टर्स. तो फिर हमारा आंसर बनेगा बी एंड सी. तो चले हम करते हैं बी एंड सी. ये है, दे आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डिंग देयर व्यूइंग हैबिट्स. ठीक है, रिकॉर्डिंग हैबिट. अब आप लाइन जो है ये अब चले जाइएगा दूसरा पैरा, और है ये 13, 14, 15वें लाइन पर चले जाएं तो आपको यू विल गेट योर आंसर. तो चले फिर हम करते हैं इसको. दे आर नॉट ऑलवेज, यानी हम दूसरा करें, दे आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डिंग देयर व्यूइंग हैबिट्स एक, और दूसरा है, द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस They exert on advertising cost may not be based on all relevant factors. तो अब आप फोर्थ अगर जानना चाहते हैं तो आई वुड लाइक टू रीड इट. ये मैं पढ़ देता हूँ, आप गौर से सुनिएगा. यानी ये है 16 से हम शुरू करते हैं, बल्कि हम 15 से शुरू कर देते हैं. क्रिटिसिज्म फॉर choosing residents that under report daytime and late night television viewing and for over representing minorities in sample populations. Critics also point to the non-viable practices of. तो ये था हमारा आंसर. तो चले फिर हम करते हैं इसको ख़त्म. ठीक है, तो हमारा आंसर बनेगा यानी कि फोर्थ का बी एंड सी. ये देख लीजिएगा गौर से, वो मैं लाइन मैंने पढ़ दी है. लाइन 15 से लेकर आप तकरीबन 19 तक पढ़ लें तो आपको यू विल फाइंड आउट योर आंसर. तो चलें फिर आज हमने कर लिया है, यानी तीन चीज़ें कर ली हैं. पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है रीडिंग कंपनी जो आज हमने किया है. ठीक है, और दूसरा है टैक्स कंप्लीशन जो हम कर चुके हैं, और सेंटेंस क्वेश्चन जो भी हम कर चुके हैं. आज हमने किया रीडिंग कंप्लीशन, यानी तीन चीज़ें आएंगी जीआरई में, रीडिंग कंप्लीशन, टैक्स कंप्लीशन और सेंटेंस क्वेश्चन. तो लास्टली आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट आई एम फ्रॉम बिग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़.